जहां एक ओर कोरोना वायरस की महामारी को लेकर सरकार प्रशासन लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं बलिया के सलेमपुर से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। सांसद रविंद्र कुशवाहा सुशासन के 3 साल पूरा होने पर बांसडीह कस्बे में लोगों को पत्र बांट रहे थे। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। लॉकडाउन में छूट मिलते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से भी सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। जिले के अलग अलग हिस्सों से मरीज अब बेखौफ होकर सामाजिक दूरी को दरकिनार करते हुए बिना मास्क लगाए लोग घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में जिला अस्पताल प्रशासन कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। सामाजिक दूरी को दरकिनार कर लाइन में लगे लोगों में शायद कोरोना का खौफ कम हो गया है। हालांकि जिले में अब तक कोरोना के 80 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और जबकि 18 केस अभी भी एक्टिव हैं। बावजूद इसके लोग यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहराइच जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में गुरुवार को कोविड-19 से संक्रमित पहले व्यक्ति की मौत हो गई। कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत से लोगों में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि जरवल नगर पंचायत के मोहल्ला तकिया निवासी 65 वर्षीय जहीर आलम शुगर और दिल की बीमारी से ग्रस्त थे, जिन्हें लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था और बाद में जांच में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गुरुवार सुबह उनकी मृत्यु हो गई। उनका लखनऊ में ही अंतिम संस्कार करा दिया गया। जिले में सूचना के आने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत आवश्यक कार्रवाई पूरी की। यूपी का शिक्षा विभाग आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी फर्जी अभिलेखों को लेकर तो कभी अनामिका शुक्ला जैसी फर्जी शिक्षिकाओं को लेकर। ताजा मामला यूपी के श्रावस्ती जिले से सामने आया है। कोरोना काल में जहां देश प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करा दिया गया है, यहां पर सरकारी स्कूल खुले दिखाई दिए, जो कोरोना संकट काल में सीधे तौर पर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हां, प्राथमिक विद्यालय इमलिया नासिरगंज में सुबह सरकारी स्कूल खुले तो स्कूल यूनिफॉर्म में दर्जनों बच्चे बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जबकि ज्यादातर स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। बावजूद इसके स्कूल खुले दिखाई दिए। मामले में प्रधानाध्यापिका से जब सवाल किया गया तो वो कैमरे को बंद करने की कोशिश करने लगी। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री ओमकार राणा ने मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही। बहरहाल बेसिक शिक्षा मंत्री राणा ने मामले के सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की भी बात की। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि स्कूल हम लोग खोले ही नहीं हैं, और यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित अध्यापक के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच कराई ली जाएगी। और जहां तक बात है बच्चों को बुलाने की, तो मेरे संज्ञान में ऐसा अभी नहीं आया है। रामपुर में स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने कोविड-19 को लेकर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने इमरजेंसी वार्ड से लेकर सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और महिला अस्पताल का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत की, साथ ही आइसोलेशन वार्ड भी देखा। इस दौरान अस्पताल में कई खामियां मिली। वहीं मंत्री ने पीलीभीत के जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री के पीलीभीत निरीक्षण के दौरान बीजेपी विधायक समेत बीजेपी जिलाध्यक्ष और कई पदाधिकारी भी अस्पताल में मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश में मंत्री हर जिले में पहुंच रहे हैं और औचक निरीक्षण कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप रहे हैं। समय कोविड का प्रकोप पूरे विश्व में देश में है, उसके नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इसलिए भेजा है हर जिले के अंदर हम सब मंत्रियों को, ये देख के आए कि जो आवश्यक सेवाएं हैं वो आरंभ हुई हैं या नहीं। यहाँ हमने पाया कि करीब 50 से ज़्यादा लोगों का यहाँ एक्सरे हुआ है, करीब कल भी 20-25 से ज़्यादा लोगों का सीटी स्कैन हुआ था, 13-14 का अभी भी सुबह से अब तक हो चुका है। यूपी में लखीमपुर खीरी के नायक के रूप में उभरे पलिया कलान सीओ राजेश कुमार को उनकी ईमानदार छवि ही ले डूबी और उन्हें अच्छे कामों के बावजूद न सिर्फ तबादला थमा दिया गया बल्कि उन्हें ट्रैफिक सीओ के पद पर भेज दिया गया।
क्षेत्रवासियों के लिए मसीहा बने इस पुलिस अधिकारी के समर्थन में तहसील में आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने मांग पत्र के जरिए से सरकार से अपील की है कि कोरोना के समय सीओ ने इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे एरिया में बढ़िया पुलिसिंग की है। उनके न सिर्फ काम की सराहना होनी चाहिए बल्कि न्यायपूर्वक इस अधिकारी को वापस पलिया कलां क्षेत्र में काम करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने बड़ी तादाद में क्षेत्र में चल रहे अवैध रेत के कारोबार पर लगाम कसने वाले सीओ को डिमोट करते हुए सीओ ट्रैफिक बनाकर उनका मनोबल तक तोड़ने का प्रयास किया। ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर प्रदर्शनों के लोग सीओ राजेश कुमार नायक के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। मैं समाज सेवी सविता तिवारी हूँ और यहाँ पर हम लोग सीओ साहब का जो ट्रांसफर डिमोशन करके उनको कर दिया गया, इसलिए आए हैं क्योंकि वो एक निहायत ही ईमानदार इंसान थे। जब से उन्होंने पलिया का चार्ज संभाला तब से यहाँ पे जो भी खनन माफिया हो या और भी चीजें हो जो तस्करी कर रहे हो। यूपी के रामपुर में गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ में दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गो तस्कर की ओर से जवाबी फायरिंग में पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल सिविल लाइन पुलिस को ये सूचना मिली कि एक गाड़ी में गो तस्कर जानवर लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने गाड़ी रोका तो गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, चार नंबर प्लेट और एक जानवर भी बरामद किया। मुठभेड़ की सूचना पे हम लोग एक गांव के तस्कर के पीछे लगे हुए थे। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ने गांधी समाधि के पास एक गाड़ी नोटिस करी जो सस्पिशियस फ्रेम कर रही थी जिसकी सूचना हमारे पास थी, तो उसका पीछा किया। तो जब इस रोड पे आए, ये कोसी नदी के कच्चा रास्ता है, तो उन्होंने गाड़ी आप देख सकते हैं पेड़ में टक्कर मारी और जब पुलिस ने इनको ललकारा तो उन्होंने पुलिस का फायर किया। जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लगी। यूपी में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं इसकी वानगी बलिया के दुर्जनपुर गांव में देखने को मिली, जहां बदमाशों ने डेयरी में दूध देकर वापस लौट रहे 42 वर्षीय भूपेंद्र पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। फायरिंग की वजह से भूपेंद्र की मौत हो गई। मामले की सूचना जैसे ही नारायणगढ़ में भूपेंद्र के परिजनों को लगी वहां कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने दुर्जनपुर गांव के एक बोलेरो सवार युवक को बंदूक दिखाकर उसे बोलेरो से बाहर कर दिया और बोलेरो सवार ड्राइवर को बंदूक की नोक पर बोलेरो लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर कई थाने की फोर्स मौजूद रही। घटना स्थल पर पहुंचे एसपी देवेंद्र नाथ और एडिशनल एसपी संजय कुमार ने इस पूरे मामले की जाँच के निर्देश दे दिए हैं। भूपेंद्र पटेल जो नारायणगढ़ के रहने वाले हैं, रोज दुर्जनपुर डेयरी पर दूध देने आते थे। आज सुबह भी वह दुर्जनपुर डेयरी पर दूध देने के लिए आ रहे थे, जो बदमाशों द्वारा उन्हें खदेड़ा गया और गांव दुर्जनपुर में आकर के उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब इस्लाम नाम का युवक अपने पड़ोस में रहने वाली 2 साल की मासूम बच्ची को ट्रॉफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर जब पड़ोस में माँ पहुँची तो देखा कि युवक बच्ची को दबोचे हुए नजर आया। बच्ची की माँ को देख वो मासूम बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। कुछ देर बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि मासूम को लहूलुहान हालत में निजी डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया जहाँ उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हायर सेंटर में डॉक्टरों ने मासूम की हालत को देखते हुए बताया कि मासूम के साथ दरिंदगी की गई है। फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है। वहीं पकड़ा गया आरोपी खुद को पहले तो मानसिक रोगी बताकर ड्रामा करने लगा, लेकिन लोगों को आरोपी की बात पर विश्वास भी होने लगे था। जब डॉक्टरों की रिपोर्ट आई तब पता चला कि आरोपी ने मासूम के साथ दरिंदगी की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की। ये थाना मुगलपुरा पे 10 तारीख को शाम को सूचना मिली कि 2 वर्ष की बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने तत्काल बच्ची को हॉस्पिटल भिजवाया। जो कंप्लेनेंट की जो कंप्लेंट थी उसके आधार पर तुरंत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। यूपी के रामपुर में गांव के ही युवक पर युवती से रेप करने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ धारा 376 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। ये पूरी घटना कोतवाली शाहबाद क्षेत्र के एक गांव की है जहां युवती ने अपने परिजनों को बताया
कि शादी के घर में संगीत कार्यक्रम से लौटने के दौरान गांव के ही युवक ने उसे अगवा कर लिया और उसके साथ रेप कर मौके से फरार हो गया। हम गीतों में गए थे तो गीतों में से आ रहे थे 11 बजे लौट के। कौन सा गाँव आपका? बैरुआ। तो आ रहे थे तो उधर से वो दो लड़के खींच के ले गए मुझे। रास्ते में से ले गए? हाँ रास्ते में से। कौन थे जानते हैं आप? हाँ नाजिम नाम का था एक। हाँ। और एक के नाम का पता ना, उसका दोस्त था। क्या हुआ फिर? फिर ले गए खींच के, मुंह में लत्ता ठूस दिया तो बलात्कार किया सब ने। जैसे अपने क्षेत्र में से ग्राम बैरवा से एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें पीड़िता ने बलात्कार का आरोप लगाया है। इस संबंध में तहरीर उसके पिताजी ने दिया है। FIR दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है। विवेचना की जा रही है। बहराइच जिले के थाना हुजूरपुर क्षेत्र अंतर्गत थाने से पंचायत कर घर लौट रहे एक युवक ने हाईटेंशन तार छू कर जान दे दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी कैसरगंज जंग बहादुर यादव ने बताया कि मारपीट के मामले में दो पक्ष थाने गए थे। लौटते समय युवक पेड़ पर चढ़ गया और हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि थाने में पंचायत के दौरान रक्षाराम अपना पक्ष रखना चाहता था लेकिन विपक्षियों ने अपनी बात पहले ही पुलिस को समझा दी जिसके चलते युवक ने जान दे दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी कैसरगंज डॉक्टर जंग बहादुर यादव का कहना है कि हाईटेंशन लाइन से युवक का संपर्क महज एक हादसा हो सकता है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई इसी के आधार पर की जाएगी। 8/6/2020 को झपाटपुर कटका जो थाना हुजूर पर पड़ता है उसमें मारपीट हुई थी। उसी प्रकरण में दो पक्ष थाने पर गए थे। उसमें एक पक्ष जो था जगदीश काशी और रक्षाराम अपने थाने से वापस लौट रहे थे ये लोग, तो एक पाकड़ के पेड़ पे रक्षाराम जो है रुक गया और पेड़ पे कहन चढ़ गया। उसके मामा का कहना जो जगदीश साथ में थे और उसी में ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार जा रहा था